हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन यू ऑल आर वेलकम टू आवर चैनल अन अकेडमी अन अकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आप लोग एक बार प्लीज मैसेज करके बताइए कि आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है और सब कुछ ठीक दिख रहा है फिर हम लोग अपना टॉपिक शुरू करें देख के आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा आज का टॉपिक क्या है दैट इज साइमन कमीशन बहुत लोग इसके बारे में बहुत कुछ पता भी है तो आज विद क्विज विद क्वेश्चन आंसर्स हम उसको करेंगे तो लेट्स स्टार्ट टॉपिक दैट इज साइमन कमीशन एंड द क्विज इज ऑफ रिलेटेड दीडम स्ट्रगल तो जल्दी जल्दी मैसेज करके बताइए प्लीज कि क्लियर है सब कुछ वॉइस क्लियर है एवरीथिंग इज फाइन तो ताकि हम शुरू कर सकें अपना वीडियो गुड आफ्टरनून विक्रम राना जी गुड आफ्टरनून वॉइस क्लियर है मेरी चलिए फिर शुरू करते हैं तो दिस इज अनडमी प्लेटफॉर्म ये अनकेडमी है जिसपे आप लोग पूजा सिंह के साथ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं मैं आप लोग एन टी यूजीसी नेट के लिए तैयारी करवा रही हूं दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट तो जो इसमें स्पेशल सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और चलिए ठीक है सब लोग मैसेज करके बताइए सब कुछ ठीक है पीपीटी ब्लर तो नहीं दिख रही कंटेंट ब्लर तो नहीं दिख रहा कंटेंट बिल्कुल ब्लर नहीं दिखना चाहिए ओके चलिए तो इस तरह से ये इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अन एकडमी प्लेटफॉर्म जिसपे हम लोग हिस्ट्री पढ़ने की शुरुआत कर चुके हैं बहुत पहले ही और आज कम से कम मेरी बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे आ चुकी हैं और ऑलमोस्ट फिनिश होने को है वट विल गेट ऑन दिस प्लेटफॉर्म यू आर गेटिंग डेली लाइव क्लासेस लाइक मैं तीन बजे रोज लाइव होती हूँ और आज तो छः बजे आठ बजे फिर से लाइव होना है चैट विद योर एडुकेटर्स आप यहाँ पर अपने एडुकेटर से चै विशाखा हेलो विशाखा चैट कर सकते हैं अपना डाउट्स पूछ सकते हैं कहीं भी किसी भी टॉपिक जैसा नहीं अगर मैं साइमन कमीशन पढ़ा रही हूं तो आप साइमन कमीशन का ही डाउट पूछिए आप अगर किसी भी कोई भी डाउट हो तो मैसेज छोड़ दीजिए मैं उसको नेक्स्ट डे उसी का पूरा सेशन ले लूंगी और आप लोगों को डाउट क्लियर करवा दूंगी स्ट्रक्चर कोर्सेज है लाइक like अगर आप लोगों को पेड लेना है तो वहां पर पूरा कोर्स है एक्चुअली यूट्यूब पे आप लोगों को ढूंढना पड़ता है ये वीडियो कहाँ है वो वीडियो कहाँ है बट जो सिलेबस uh, का स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है वो पेड है एक्चुअली तो वहां पर आप लोगों को अनकेडमी लर्निंग एप डाउनलोड करना है पड़ेगा और उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा तो आप लोगों को वहां पर ऑल ओवर वीडियोज आपको मिल जाएगी लाइव टेस्ट क्विजेज है लाइक like आज में क्वेश्चन uh, मेरी जो पढ़ाने की टेक्निक है वो है मैं पहले uh, समझा देती हूँ लाइक टॉपिक को उसके बाद उसी से रिलेटेड क्विजेस करा देती हूँ ताकि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उस पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए शुकुल जी गुड आफ्टरनून शुकुल जी तो अपने अब जो लाइव टेस्ट होगा उससे क्या होगा आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो अपने परफॉर्मेंस को कि आपका परफॉर्मेंस बेटर है गुड है या बेस्ट है अनलिमिटेड एक्सेस है अगर एक बार इसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो का अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है और आप कहीं भी उसको किसी भी उससे डिवाइस में देख सकते हैं चाहे फोन में देखिए जैसे हम लोग मैं तो फोन में ही यूज करती थी पहले मैं यूपीएससी की तैयारी यही एनअमी से ही कर रही थी तो मैं फोन में ही यूज करती थी लैपटॉप यूज ही नहीं करती थी आप फोन कहीं भी बैठे हैं फोन यूज कर सकते हैं नेट का सब्सक्रिप्शन लेना है तो वन मंथ ईएमआई भी अवेलेबल है बट वन मंथ का क्या ई एम तो इसलिए सौ पचहत्तर ई एम आई है चार हजार सात सौ पच्चीस फीस है सिक्स मंथ का फोर्टीन एटीन ई है और आठ हजार पांच सौ पांच फीस है दो ए, एक साल का अगर लेंगे तो आपको बहुत कम ई पड़ेगा आठ सौ छाछठ रुपीज बस दस फीस है इसकी दो साल की लेंगे छह तो सौ तीस रुपए मंथली पड़ेगा जो आजकल के बच्चों ट्यूशन की फीस भी ले लेते हैं ट्वेल्थ इलेवंथ का तो दो हो दो हजार फीस ले लेते हैं मंथली तो आप लोग तो प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो आई होप एट सिक्स या एट थर्टी आप लोगों को खर्च करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आपने पी एस जीरो जीरो सेवन ये कोड यूज करोगे तो टेन परसेंट आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए क्योंकि दिस इज वेरी बोरिंग पार्ट कि रोज जो है अपना इंट्रो देना है क्योंकि नए बच्चे रोज आ जाते हैं तो इंट्रो देना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे ये होता है कि मैं कितना टाइम यूटिलाइज कर ले और फटाफट टॉपिक की तरफ आ जाए दिस इज अबाउट मी आई एम नेट क्वालिफाइड आई एव सिक्स ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन हिस्ट्री बैचलर ऑफ एजुकेशन मतलब बी एड तो पी जी अगर किया है तो बी ए भी किया होगा भाई मैंने तो बी ए में, में मेरा हिस्ट्री था पॉलिटिकल साइंस था और इंग्लिश था फिर मैं टू थाउजेंड फोर्टीन में नेट क्लियर किया था तो सिक्स उसके बाद से ही मैं टीचिंग लाइन में हूँ तो सिक्स ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है हेलो एवरी वन चलिए अब बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए टॉपिक शुरू करते हैं ओके तो कितने लोगों को साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा बहुत पता है थोड़ा बहुत तो सबको पता है क्योंकि देखिए अगर आप लोग एन टी यूजीसी नेट की तैयारी करने आए हैं तो बेस तो अपना मजबूत करके आए होंगे फिफ्टी परसेंट तो सबको इतिहास पता ही होता है बी ए पीजी मित्र हम पढ़ लेते हैं बट वही हम जो फिफ्टी परसेंट हमें क्लियर करना है वो टीचर आपको प्रोवाइड कर देता है तो साइमन कमीशन मैम मैं अन अकेडमी ऐप डाउनलोड किया था बट एक एनरोलमेंट नंबर मांगा अनएकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड किया वहां एनरोलमेंट नंबर मांग रहा है चलिए मैं देखती हूँ क्यों नंबर मांग रहा है ठीक है चलिए आज का पहले सेशन ये कंप्लीट कर लेते हैं बात पढ़ते हैं तो साइमन कमीशन बिल्कुल सही 1927 में साइमन कमीशन बना था लेकिन भारत आने की उसकी डेट अगर पूछे साइमन कमीशन बना का फॉर्म हुआ उसका लंडन में लंदन में उन्नीस सौ सत्ताईस में बट भारत पहुंचा 3 फरवरी 1928 को ठीक है नीति ये बात याद रखना तीन फरवरी 1928 का बट इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देना चाहूंगी कि अचानक से तो साइमन कमीशन भारत आया नहीं होगा इतना आप लोग पता है अचानक से साइमन कमीशन आ गया हमारे रिफॉर्म्स के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए तुरंत तो आ नहीं गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में चेंजेस लाना है तो चलो भारत चलते ये तो नहीं हुआ होगा इसके पहले कोई उसका बेस तैयार हुआ होगा तो आप लोगों को पता है कि नाइनटीन में एक रिफॉर्म आया था उस रिफॉर्म का नाम कोई बताएगा नाइनटीन नो इंडियन मेंबर हाँ नो इंडियन मेंबर नाइनटीन नाइनटीन में एक रिफॉर्म आया था उस रिफॉर्म का नाम पता है किसी को जल्दी बताएं एक 99 में 1919 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो अंग्रेजों ने एक इंडियंस को शांत करने के लिए रिफॉर्म्स लेके आए थे वो रिफॉर्म्स क्या था कॉज फॉर लाला लाजपत राय डेट ठीक है ठीक है वेरी गुड अच्छा किसी को नहीं पता है बता रहे हो आप लोग या मैं अपना शुरू करूं चलिए शायद नहीं पता पता होता आप लोग दे देते मोन्टोगियो चेम्स फोर्ड रिफॉर्म्स जिसमें बहुत सारी बदलाव के लिए भारतीयों ने बोला था क्योंकि अब इन्हें पता था कि पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हो गए थे जो इंडियंस थे अब कहीं ना कहीं उनको भी जो है जो पूरी पावर थी जो पूरी वीटो थी वो किसके हाथ में थी ब्रिटिश के हाथों में और सबसे बड़ा वॉयस राय के हाथ में थी वायसराय जो पद था तो जो पूरा का पूरा पावर था वो किसके पास था ब्रिटिश के पास और हमें सिर्फ नाम मात्र का इन्होंने पावर दे रखा था पावर तो दे रखा था लेकिन उसका यूज कौन करेगा सिर्फ ब्रिटिश कर रखेंगे तो इन्होंने हमने जो मोन्टेग्यो चेंड रिफॉर्म्स था 1919 का उसको भी नकार दिया था तो इन्होंने कहा था चलो हर दस साल बाद इसके रिफॉर्म्स इसमें चेंजेस लाएंगे चेंजेस लाने के बाद जो है जो जो आप लोग डिमांड करेंगे चेंज कर देंगे पहले हम लोग डोमेनियन स्टार्ट की इस, स्टेटस की मांग कर रहे थे स्वराज की पूर्ण स्वराज की डिमांड हम इसी के बाद रखेंगे पूर्ण स्वराज मतलब फुल इंडिपेंडेंस अब हमें डोमेनियन स्टेट नहीं चाहिए आपके अंडर में रह के काम करने की जरूरत नहीं क्योंकि आप हमेशा वादा खिलाफी करते हैं आज कुछ कहते हैं कल कुछ कहते हैं और बाद में सारी की सारी पावर खुद को रखे इमरजेंसी ऑफ इसी ने इंडिया भगत सिंह इमरजेंसी ऑफ क्या लिखा है आपने रेडिकल इस कॉस फॉर लॉयेल राजपतराय चलिए तो ये तो बात पता थी हमें तो इसका भी इंडियंस ने जो है नकार दिया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पूरी तरीके से विफल रहा उसके बाद से यहां पर असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है गांधी जी का सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हो जाता है फिर गांधी जी चौरी चौरा कांड की वजह से उसको वापस ले लेते हैं तो स्वराज पार्टी का गठन हो जाता है 1923 में जब स्वराज पार्टी का गठन होता है उसके साथ ही इन्होंने बोला कि जो सी आर दास और चित्रंजन दास थे एक सी आर दास थे और जिसको चित्रंजन दास बोलते हैं और मोतीलाल नेहरू थे इन दोनों ने इस रिफॉर्म्स के लिए बात किया कि जो इसमें दस साल पहले जो अभी कुछ दिन पहले नाइनटीन नाइनटीन में मोन्टेडियो चेंड में रिफॉर्म्स लाने की बात कही उस पर इन्होंने जोर डाला कि कहीं ना कहीं अब इसको जो है आप लोगों को रिफॉर्म्स करना होगा तो धीरे 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 इन सब चीजों को बदलाव लाने के लिए ये लोग काम करते रहे तो अब अंग्रेजों को सेकेंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंदाजा हो ही चुका था कि कहीं न कहीं अगर ये लोग सुभाष चंद्र बोस बहुत तेजी से उभर रहे थे और गांधी जी उभर चुके ही थे जवाहरलाल नेहरू बहुत एक्टिव थे इंडियंस के जो अ, मिडिल क्लास के लोग थे वो भी एक्टिव थे इन्हें पता था कि अगर हमने इनके लिए कुछ अच्छा कार्य नहीं किया तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का बोरिया बिस्तर अब यहां से उठने वाला है तो ये कंडीशन बनी थी तो 1927 में अब स्वराज पार्टी ने डिमांड करी सी आर दास मोतीलाल नेहरू इन सब ने कि रिफॉर्म्स किया जाए हमारा भी जो पॉलिटिकल भाग है जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है उसमें हमसे भी पूछा जाए हमसे भी राय लिया जाए और इंडियन से राय लिया जाए और पूरी पावर आपके हाथों में ना हो लाइक डोमिनियन स्टेट हाँ, जो है आप चलिए आप रूल कर रहे हो करो लेकिन हमें भी कुछ पार्टिसिपेशन चाहिए हमारा भी कोई अधिकार चाहिए ठीक है तो अब ये चीजें अधिकार तो ये दे नहीं रहे थे तो क्या हुआ साइमन कमीशन का गठन तो कर लिए अभी आगे ये भी बताएंगे कि साइमन कमीशन फेल हुआ उसके बाद इन्होंने इरविन जो यहाँ का वॉइस राय था गांधी जी से समझौता करता है फिर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंडन में होता है ये सब भी बताते हैं तो ये साइमन कमीशन बनता है लंडन में 1927 में लेकिन भारत आने से पहले इसका विद्रोह होने लगा था ये भारत पहुंचा नहीं था तभी से इसका विद्रोह यहां होना शुरू हो गया था तीन जहां जहां ये भारत में गया वहां वहां विद्रोह हुआ जब पहली बार थ्री तीन फरवरी उन्नीस में भारत पहुंचा तो कोने कोने हर जगह इसका विद्रोह होता रहा जिसमें इस विद्रोह में ला, लाला लाजपत राय पर चार्ज हुई थी बाद में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने उनका बदला लिया था वो भी आगे बताते हैं ठीक है तो इस तरह हेलो मैं दे दिया हूं आंसर हेलो मैम अच्छा दे दिया किसी ने आंसर वेरी गुड गुड आफ्टरनून एवरी वन गुड आफ्टरनून अगर मैसेज नहीं देख पा रही तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट क्योंकि मैं अभी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ तो इसलिए आंसर थोड़ा सा आप लोग जो जो है 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 मैं मैसेज मैसेज नहीं देख रही हूं। पहले समझा लेते हैं उसके बाद है, में देखूंगी इकट्ठे ठीक तो नाराज मत होइएगा कोई लोग तो साइमन कमीशन वॉज कंस्टिट्युएटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन अच्छा कुछ इन्हें पहले और समझ लो फिर कंटेंट समझाती हूँ तो जब ये भारत आए तो इसमें सेवन मेंबर्स थे इसको नकारा क्यों गया अगर हम लो, लोग हम ही लोग डिमांड कर रहे थे कि रिफॉर्म्स किया जाए तो रिफॉर्म्स जब ये लोग रिफॉर्म्स लेके आए तो हमने उसको बहिष्कार क्यों किया इसका क्यों किया क्यों किया अब देखो अंग्रेज बड़े चालू थे इनका जो है हमेशा से ये जो है कुछ ना कुछ उसमें लूप होल निकाल ही लेते थे तो इन्होंने ऑफिशियली उसमें जो है चार मेंबर रखा कंजर्वेटिव के टू रखा लिबर्टीज के और एक रखा लिबरल लि लि मेंबर सातों मेंबर कौन थे ब्रिटिश थे कोई भी इसमें भारतीय था ही नहीं तो भारतीयों का मानना था अगर हमारे रिफॉर्म्स के लिए आया जा रहा है और हमारा ही कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्लास में हो ठीक है मैं क्लास में पूछ रही हूं कि मैं आ, कौन सा टॉपिक लेके आ रही हूँ पता ही आप लोगों को पता है साइमन कमीशन टॉपिक लेके मैं आने वाली हूं लेकिन आपकी ही राय ना लू मैं कि आप लोगों को क्या समझ में आया क्या नहीं कहाँ समझना है क्या नहीं तो उसका क्या मतलब निकलेगा मैं आऊं कुछ भी बता बता के निकल जाए तो यही हाल हुआ था वो आए और उन्होंने हमसे पूछा ही नहीं कि भाई आप लोग चाहते क्या है या हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व था ही नहीं तो हम उसको स्वीकार क्यों करेंगे नकारेंगे ही उसका बहिष्कार करेंगे कि भागो यहां से हमें बेवकूफ़ बनाने फिर से आए हो तो यही हाल हुआ कि साइमन सर जॉन साइमन के कमीशन इसीलिए उसका नाम साइमन कमीशन पड़ा तो उसके लीडरशिप में सर जॉन साइमन के लीडरशिप में एक जो है बना ये साइमन कमीशन और भारत आया उसका बहिष्कार किया गया सेवन मेंबर्स ब्रिटिश थे बिल्कुल सही साइमन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन टू टू लुक इन टू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम क्या जो ये लोग अभी तक रूल कर रहे थे लेकिन भारतीयों को न इलेक्शन का अधिकार था न कुछ न पार्टिसिपेट करने का अधिकार था वही अधिकार मांग रहे थे भारतीय इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस और चेंजेस सजेस्ट करने के लिए आ रहे थे बट उसमें कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडियंस थे ही नहीं इट वॉज ऑफिशियली नोन एज इंडियन सेचरी कमीशन एंड कंसिस्ट फॉर ऑफ फोर कंजरवेटिव पीपल थे इसमें टू लिबर्टीज के एंड वन लिबरल में तो ब्रिटिश फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट क्योंकि यही तीन पार्टी थी एक कंजरवेटिव पार्टी एक लिबर्टीज पार्टी और एक लिबरल पार्टी तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से इन्हीं के मेंबर आए बाकी इंडियन का कोई मेम्बर इन्होंने लिया ही नहीं तो इसी के लिए विद्रोह हुआ था यहाँ पर साइमन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन ये तो हो गया आई थिंक अच्छा ये रिपीटेड है सॉरी ये वाला कंटेंट रिपीटेड है इसलिए इसको काट दो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमीशन टू यूनिक टू इंक्वायरी इन टू दैट वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 अभी जो 1919 का इंडियन एक्ट बताया था जो इन्होंने लाया था और उसका हम विद्रोह कर रहे थे और बाद में उसी को फर्दर रिफॉर्म्स बता के सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यहां ले आए जिसको हमने फिर से नकार दिया दिस कमीशन इज़ नोन साइमन कमीशन। आफ्टर सर सर जॉन जॉन साइमन, हु हेडेड इट, कमीशन इसके हेड थे इट्स अपॉइंटेड केम एज अ रूड सॉक ऑफ द इंडियन पीपल सारे रूड हो गए इसके खिलाफ ने इसको जो है खिलाफत करी कोई भी इनका सपोर्ट में नहीं था इवन मुस्लिम लीग भी सपोर्ट में नहीं थी इनके तो द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर ऑल इंग्लिश मैन एंड नॉट अ सिंगल इंडियन इसलिए इसको रेड कर दिया है याद रखना कि ऑल इंग्लिश मैन नॉट अ सिंगल इंडियन सारे के सारे अंग्रेज थे कोई भी भारतीय उसमें नहीं था वॉज इंक्लूडेड इन इट द पीपल द गवर्नमेंट शोड द इंक्लेनेशन ऑफ द एक्सेप्टिंग द डिमांड ऑफ स्वराज अभी तक हम स्वराज की मांग कर रहे थे अब इसी के बाद 1929 में में लाहौर सेशन जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की डिमांड रखेंगे अब ये कहे जाएगा कि भाई हमें डोमिनियन स्टेट की जरूरत हमें स्वराज की जरूरत नहीं है अब हमें पूर्ण स्वराज की जरूरत है तो द कंपोजिशन ऑफ द कमीशन कंफर्म द फेयर्स ऑफ द इंडियन पीपल्स तो द अपॉइंटेड ऑफ द कमीशन ऑफ़ अ वेव ऑफ प्रोटेस्ट ऑल ओवर द कंट्री ऑल ओवर द कंट्री इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ और हर जगह लाठी चार्ज हो रहे थे तो इस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की क्योंकि बहुत एज हो चुकी थी और उनके जितने भी सर पे लाठी पड़ी थी चार पांच जिसकी वजह से वो काफी घायल हो गए थे और विद इन वन मंथ उनकी डेथ हो गई थी तो जो लाला राय थे वो गरम दल के नेता थे एक्सट्रीमिस्ट नेता थे वो, मॉडरेट मौडरे, नेता नहीं थे एक्सट्रीमिस्ट थे लाला लाजपत राय बिपिन चंद्रपाल ये लोग तो भगत सिंह भी किसको सपोर्ट करते थे गरम दल को इसीलिए लाला लाजपत राय की हत्या का वो बदला लेना चाहते थे वो उनको बहुत ही मानते थे तो ये सब आगे देखते थे मैम प्लीज कंटेंट हिंदी में भी <laughs> बेटा समझा तो दे रही हूँ ना कंटेंट भी हिंदी में अगर लिखोंगी तो देखो अगर ये सारे हमें बनाने पड़ते हैं पीपीटी अगर मैंने इंग्लिश में भी बनाया फिर एज इट इज को हिंदी में भी बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है तो मैं हिंदी में ही समझा रही हूँ बोल एक बार इसको पढ़ देती हूँ ताकि इंग्लिश वाले बच्चों को भी दिक्कत ना हो हिंदू वाले हिंदी वाले बच्चों का भी ना हो तो अब इंग्लिश वाले बच्चे तो सिर्फ इंग्लिश का कंटेंट पा रहे हैं जो मैं समझा रही हूँ वो पूरा का पूरा हिंदी में बता रही हूँ उसमें कोई भी इंग्लिश नहीं है पूरा का पूरा हिंदी है तो अगर आप लोगों को फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका सोल्यूशन मैं देखती हूँ कैसे निकाल पाती हूँ ठीक है आशीष राठौर चरण स्पर्श दीदी जी आशीर्वाद दीजिए अपने छोटे भाई को सिस्टर आई एम फॉर कश्मीर एंड आई एम सिविल सर्विसेज असिस्टेंट प्लीज प्रे फॉर मी बिकॉज गुरु जी Considered as God. Please, please pray for me. It is my second attempt. समझ नहीं आ रहा हिंदी में सिंधु रंगला ये आप चरण स्पर्श कौन कह रहे भाई दीदी किसको बोल रहे हैं मैं आपकी दीदी कब हो गई मैं किसी आशीष राठौर को जानती भी नहीं हूँ आशीष राठौर अगर मेरा कोई स्टूडेंट होता मुझे मैम ही बोलता दीदी कोई नहीं बोलता मेरा आशीर्वाद मेरे पूरे स्टूडेंट के साथ है भाई सबके साथ है ठीक है सारे स्टूडेंट के साथ मेरा जो है आशीर्वाद है अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है आशीर्वाद है ठीक है चलो पहले पढ़ाने दो चलो हिंदी में कह रहे हैं कि समझ नहीं आता अगर हिंदी में कंटेंट नहीं होता चलिए अभी जो समझा रही हूँ फिलहाल उसको समझने की कोशिश करी फिर हिंदी कंटेंट भी लाऊंगी मैं जल्दी वैसे बीच में मैं हिंदी कंटेंट ही ला रही थी बट फिर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को समझ नहीं आता था तो मैंने सोल्यूशन निकाला कंटेंट इंग्लिश में हो समझा हिंदी में दूंगी तमन्ना रही मैम आपको दीदी की रेस्पेक्ट दे रहे हैं ओके जी ओके कोई बात नहीं चलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आई थिंक देखिए मैं कुछ कुछ कंटेंट हिंदी, तो मतलब जो जो अधिवेशन. अधिवेशन. हिंदी में लिख दे रही हूँ जो जो वर्ड आप लोगों को टफ लग रहे हैं कांग्रेस अधिवेशन हर साल होता था जिसको बोलतेशन तो उन्नीस सौ सत्ताइस में मद्रास में हुई थी वो कहां पर हुई थी मद्रास में वो सेशन हुई थी It dedicated to the commission. अभी देखो कमीशन भारत पहुंचा भी नहीं है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचता है हिंदी में लिख रहे हैं भाई अब इतना इससे ज्यादा आई होप मैं एफर्ट नहीं कर सकती साइमन कमीशन भारत आया था तीन फरवरी 1927 को 1928 को तो 1928 को आया और अब मैंने पहले भी ये बात बता दी कि आने से पहले ही भारत में इसका विद्रोह हो रहा था तो बायकॉट किया तो ये जो मद्रास में सेशन हुआ था इसने डिसाइड किया इसी सेशन में यहां पर चर्चा हुई कि हम साइमन कमीशन का बायकॉट करेंगे मतलब बहिष्कार करेंगे तो इन्होंने ये किस अगर पूछ ले कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का सेशन कहाँ पर हुआ था जिसकी जो चर्चा हुई तो आप लोग बोलोगे मद्रास सेशन में हुई थी जो 1927 में हुई थी वहां पर यहां पर मीटिंग हुई थी और सब ने ये डिसाइड किया था कि साइमन कमीशन का हमें बहिष्कार करना है मतलब बायकॉच करना है दलिम लीग ऑल्सोड किया जो कि uh, से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी उसने भी कहा कि हाँ साइमन कमीशन का बॉयकॉट होना चाहिए उन्होंने भी किया द कमीशन अराइव इन इंडिया ऑन थ्री फेव नाइनटीन ट्वेंटी एट साइमन कमीशन भारत पहुंचा तीन फरवरी 1928 को ऑन दैट डे द एंटायर कंट्री ऑब्जर्व द होटल इन द आफ्टरनून नो ऑन दैट डे मीटिंग वॉर हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री टू कंडम द अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन एंड टू डिक्लेयर दैट द पीपल ऑफ इंडिया वुड हैव नथिंग टू डू विथ इट मतलब इसका हिंदी समझ लीजिए अच्छे से कि जब साइमन कमीशन भारत आया पूरे कंट्री में विद्रोह हुआ इसका सब ने मीटिंग करी सब ने मीटिंग अपनी कर, कंट्री में कोने कोने मीटिंग होती रही अपॉइंटमेंट होती रही कमीशन के बारे में और सब ने कहा कि अब भारत आपका ये साइमन कमीशन स्वीकार नहीं करेगा और हमारा कोई भी इससे लेना देना नहीं है तो आप कृपया वापस जाए साइमन गो बैक तो देर वॉज फायरिंग ऑफ द डेमोस्ट्रेशन और इसके बाद जानते हैं आप लोग कि इनका जो है किसी भी विद्रोह का दबाने का तरीका क्या होता था लाठी चार्ज गोली चला देना जैसे जलिया वाला भाग हत्याकांड में डायर ने अंधाधुन गोलियां चलवा दी फिर लाठी चार्ज करवा देना उसमें चाहे इंजर्ड हो जाए लाखों लोग घायल हो जाए चाहे लाखों लोग मारे जाए इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता था मैम बोल दीजिए हिंदी में ये काफी है लिखने में काफी टाइम लग जाएगा वही तो लेकिन कोई बात नहीं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी ठीक है जो जो चीजें लग रही है मैं थोड़ा थोड़ा लिख देती हूँ तो पीपल ऑफ इंडिया वुड हैव नथिंग देयर वाज हैथिंग डेमोन्स्ट्रेटर इन मद्रास मद्रास में भी लाठी चार्ज हुआ और एनी प्लेसेस बहुत सारे प्लेसेस में हुआ द कमीशन फेस्ड मैसिव प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन एंड द हॉटल्स वेर जहां जहां गया जहां जहां वह कमीशन पहुंचा फेस मतलब उसने देखा ऐसा नहीं कि उसको फेस टू फेस आ गए उसने देखा कि पूरे भारत में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है तो कहीं भी इसको स्वीकार नहीं किया गया द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइडेड बाई ए मेजोरिटी दैट इट वुड हैव नथिंग टू डू विद दिस कमीशन तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसने डिसाइड कर लिया था मेजोरिटी वहीं आ था यही था कि कमीशन के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है हम इसको किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे ठीक है मैम आई वॉज स्टूडेंट ऑफ अन बिफोर लॉकडाउन आई रियलाइज योर कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से ऑल ओवर द कंट्री द क्राई साइमन गो बैक क्राई मतलब रोना नहीं चिल्लाना शुरू कर दिया सबने साइमन कमीशन वापस जाओ साइमन कमीशन वापस जाओ ये स्लोगन किसका था ये स्लोगन था लाला लाजपत राय का ठीक है तो द पुलिस रिजॉर्टेड अब ऐसा देखो पुलिस के हवाले हो गया रिप्रेसिव में जो है इसमें मतलब उसको दबाना कैसे है? उसको दबाया जाए तो लाठी चार्ज करेंगे लाठी चार्ज होगा तो लोग भागेंगे कई लोग डर से भाग भी जाते थे थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर बीटे अप बहुत सारे लोगों को इन्होंने मारा लाठी चार्ज किया उन पर बीटन मतलब पीटना मारना इट वॉज ड्यूरिंग दीज डेमोन्स्ट्रेशन दैट द ग्रेट लीडर लाला राय जिनको शेर ए पंजाब कहते हैं इनके बारे में सस्सी अक्सर पूछ लेता है शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है तो शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता था तो ये बहुत ही उसमें के ग्रेट लीडर थे हुरली नोन एज शेर ए पंजाब वॉज सली असोल्टेड बाई द पुलिस बहुत गंदा असॉल्ट किया गया था इनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया था इनके ऊपर ये इतने बुजुर्ग थे और इनके ऊपर एक के बाद एक लाठियां पड़ती रही जिसमें इनका ब्लड बहुत लॉस हो गया और विद इन वन मंथ ये घायल होने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी और बहुत सारे लोग इंजर्ड थे ही डाइड ऑफ द इंजरीज इन इनफ्लिटेटेड ऑन द हिम ऑफ द बाई पुलिस तो जो इंजरीज थी मतलब जो चोट थी उसकी वजह से इनकी बाद में मृत्यु हो गई इन लखनऊ लखनऊ में नेहरू एंड गोविंद बल्लभ सफ़र्ड ब्लोज ऑफ द दुलिस नेहरू मतलब अपने चाचा जी और गोविंद बल्लभ पंत ये सारे भी पुलिस के लाठीचार्ज को फेस किए थे तो देख रहे हैं आप लोग कि अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ रहा है और अत्याचार तो हम सहते नहीं वैसे अत्याचार जो भारतीयों पे हुआ है वो भारतीयों भारती ही उसके रीजन थे उसका कारण थे जो अत्याचार अभी हमें मिल रहा है उसका कहीं ना कहीं जो हमारे पास्ट में छुपे हुए धोखेबाज लोग थे उन्हीं की वजह से ये धीरे धीरे भारत में आ पाए यहाँ पर कब्जा कर पाए और उन धोखेबाजों की वजह से युद्ध हारते गए बहुत सारी चीजें हारते गए पढ़े लिखे ना होने की वजह से इन्होंने जो मिडिल क्लास के नीचे लोअर क्लास होता है उनका मिस किया उसके बाद जब मिडिल क्लास उभरी कुछ एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग उभरे और लोगों को जानकारियां दिए कि भाई आजादी क्या होती है वट इज डिक्टेटरशिप व्हाट इज मोनार्की वट इज डेमोक्रेटिक कंट्री तो डेमोक्रेटिक कंट्री समझने के लिए क्योंकि देखो गरीब लोग उसका तो मतलब ही नहीं था क्योंकि जो ज्यादा गरीब थे वो बस दो रोटी का खा के खुश रहते थे मिडिल क्लास ही क्यों आवाज उठाती थी क्योंकि मिडिल क्लास ना अपर में पहुंच पाती थी ना वो नीचे की चीजें बर्दाश्त कर पाती थी इसलिए और वो उनको नॉलेज होती थी सारी चीजों को तो अपर क्लास वालों को कोई को फर्क ही नहीं पड़ता था तो हमेशा मिडिल क्लास के लोग ही बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ देते हैं ठीक है तो इन द एगिटेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन द इंडियन पीपल वंस अगेन शोड देयर यूनिटी अब देखना अब इसी के बाद गांधी जी के आने के बाद इंडियन पीपल में यूनिटी देखने को मिलने लगी और जब कुछ इंडिया भाभी गांधी जी ने छेड़ा था तो पूरा भारत उनके साथ जुड़ा था औरतें भी उसमें उनके साथ जुड़ गई थी तो दे नाउ प्रिपेयर फॉर अ बिगर स्ट्रगल अब उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था कि हमें अगर स्ट्रगल करना है फ्रीडम फाइटिंग करना है फ्रीडम के लिए तो उसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा बहुत सारा त्याग देना पड़ेगा इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा मतलब ये नहीं कि तुम ब्लड निकाल के दे दो दोन कर दो मतलब तुम अपनी जान लगा दो जैसे फौजी लोग हमारे लिए अपनी खून की खून दे रहे हैं और हम लोग यहाँ सांस ले रहे हैं अपनी जान देते हैं वो और हम तब इंडिया में आसानी से बैठे हुए खा रहे हैं पी रहे हैं घूम रहे हैं बट वहां पर जो उनका स्ट्रगल है उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता तो आजादी के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगल शुरू होने वाला है तो द कांग्रेस एट मद्रास, ओवर द डॉक्टर एम ए अंसारी तो जो मद्रास में सेशन हुआ उसके प्रेसिडेंट पूछ ले कौन है तो डॉक्टर एम ए अंसारी थे हैड पास द रेजुलशन विच द कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो जो मद्रास में स्टेशन हुआ वहां पर डिक्लेयर कर दिया गया जिसके प्रेसिडेंट थे अध्यक्ष थे डॉक्टर रमे अंसारी कि अब हमें स्वराज नहीं चाहिए अब हमारा गोल क्या है पूर्ण इंडिपेंडेंस कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज तो द रेजुलेशन वॉज मूव बाय नेहरू एंड सपोर्टेड बाई एस सत्यामूर्ति तो नेहरू ने सपोर्ट किया इस रेजोल्यूशन के इन्होंने भी कहा हाँ सही अब हमें पूर्ण स्वराज की जरूरत है अब हम ब्रिटिश के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे हमें डोमेनियन स्टेट की जरूरत नहीं है हमारे ऊपर उनको रूल करने की कोई अधिकार नहीं है तो अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए तो ये पूर्ण स्वराज से क्वेश्चन बहुत बनता है कि 1929 में लाहौर सेशन में नेहरू ने पूर्ण स्वराज का झंडा फहराया और उसके बाद उन्हें रावी नदी के तट पर इन्होंने झंडा फहरा के पूर्ण स्वराज की डिमांड को आगे बढ़ाया ये सारी चीजें बहुत पूछता है ठीक है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग हैलरु सुभाष चंद्र बोस श्रीनिवास लंगर सत्यमूर्ति एंड शरत चंद्र बोस इनका नाम आप लोग रेयर सुने हो गए ये सुभाष चंद्र बोस के बड़े बड़े, बड़े भाई थे सूरज चंद्र बोस ये भी साथ में थे तो मैम आप ज्योग्राफी भी करवाते हो क्या बेटा मेरी ज्योग्राफी बड़ी गंदी है <laughs> हिस्ट्री की वजह से थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी है तो ज्योग्राफी नहीं कराती मैं हिस्ट्री की वजह से जहां जहां थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ना पड़ा रिवर्स के नेम माउंटेन्स के नेम और पॉलिटिकल मैप यही सब जानती है उससे ज्यादा ज्योग्राफी के बारे में कुछ नहीं जानती ठीक है तो इन दिसंबर 1928 ट्वेंटी एट द कांग्रेस मिट एट कोलकाता मतलब कलकत्ता अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ मोतीलाल नेहरू 1928 में अट्ठाइस 1927 में मद्रास में हुआ ये सीक्वेंस भी याद रखना 1927 मद्रास में जहां पर पूर्ण स्वराज के लिए सेशन रखा गया और वहां पर इसका पास रेजुलशन पास हुआ 1928 में कलकत्ता में हुआ और उन्नीस में लाहौर में हुआ ये तीनों सीक्वेंस याद रखना पूछ सकता है कभी कभी मैच द फॉलोइंग में सत्ताईस में मद्रास में हुआ अट्ठाइस में कोलकाता में हुआ उन्तीस में लाहौर में हुआ क्योंकि हर साल कांग्रेस के सेशन अधोता था सेशन की हिंदी क्या होती अधिवेशन अधिवेशन होता रहता था अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट कौन थे मोतीलाल नेहरू मद्रास वाले प्रेसिडेंट थे एम ए अंसारी अट्ठाइस में कोलकाता में प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू उनतीस में लाहौर के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू जी ये तीनों याद रखना ठीक है तो एट दिस सेशन जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस एंड मैनी कांग्रेस टू डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस यहां पर क्या है रेजोल्यूशन पास हुआ था अब इन्होंने डिमांड रख दी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तो यही फर्क है तो द कांग्रेस हाउ एवर पास द रेजोल्यूशन डिमांडिंग डोमेनियन स्टेट पहले ये लोग क्या कर रहे थे डोमेनियन स्टेट मांग रहे थे ठीक है आप लोग रूल करिए हमें भी हमारे अधिकार दे दीजिए दैट्स इट लेकिन अब क्या है अब आप हमारे देश से भागो यहां से जल्दी जल्दी बोरिया बिस्तर उठाओ और निकल लो तो दिस लेस देन कंप्लीट इंडिपेंडेंस बट इट दैट इफ द स्टेटस नॉट ग्रांटेड विद इन वन ईयर अगर डोमेनियन स्टेट हमें एक साल में नहीं दिया जाता है तो द कांग्रेस वुड डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो यहां पर 28 में इन्होंने मांग की इन्होंने नहीं माना तरकाते रहे इरबिन अब बन चुका था वॉयस राय तो इन्होंने 29 में क्या किया विद इन वन ईयर इन्होंने पूर्ण इंडिपेंडेंस की मांग कर दी वुड लॉन्च अ मास मोमेंट टू अचीव इट उन्होंने कहा अगर आपने इस बात को नहीं माना एक साल के अंदर तो हम लोग बहुत बड़ा मास मोमेंट छेड़ देंगे और ये लोग जैसे जानते थे कि ये लोग सिर्फ बोलते हैं इंडियंस करते तो कुछ है नहीं लेकिन अब वो जोश बदल चुका था अब लोग करने पे आ गए थे इन्होंने कहा कि नहीं चलिए अब दिखाते हैं आपको हम तो द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कंटिन्यूड टू तो रेली टू रैली ऑफ द पीपल बिहाइंड द डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस थ्रू आउट ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन तक रैलीज निकलने लगी डिमांड बढ़ गई कंप्लीट इंडिपेंडेंस की द मूड ऑफ द पीपल थ्रू आउट द कंट्री हैड चेंज्ड अब क्या हुआ मूड मतलब दिमाग पूरे भारत के लोगों की चेंज हो गई कि अगर हमें डेमोक्रेटिक कंट्री मिल जाती हमें आजादी मिल जाती है तब का भारत क्या होगा और हमें अभी ब्रिटिशर्स का क्या क्या सहना पड़ रहा है तो सबका दिमाग अब खुल चुका है बाय द टाइम ऑफ द कांग्रेस हेल्ड इट्स नेक्स्ट एनुअल सेशन नेक्स्ट एनुअल सेशन 1929 में लाहौर में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग रख दी ठीक है जस्ट बिकॉजलाल नेहरू पूर्ण स्वराज पब्लिक मैम सिविक्स करवा रहे हैं बेटा सिविक्स <laughs> मैं हिस्ट्री करवा पाऊ वही बड़ी बात है हिस्ट्री पूरी करवा दू मैं बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये हिस्ट्री करवा दूसरे में जब स्कूल्स uh, में पढ़ाती थी डीपीएस में मैंने पढ़ाया हुआ है तो वहां सिविक्स जोग्राफी और हिस्ट्री जितना मैंने एथ लेवल नाइन्थ लेवल तक पढ़ाया था वही आता है उससे ज्यादा मुझे नहीं आता है ठीक है चलिए तो ये कंक्लूजन है रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया है कंक्लूजन क्या था कंक्लूजन कुछ निकला नहीं था लॉर्ड इर्विन इसमें वॉयस राय था उसने जो है डोमिनेंट स्टेट कहा था ठीक है हम डोमिनेंट स्टेट दे देंगे उसके बाद जो है नाइनटीन थर्टी और नाइनटीन थर्टी वन और नाइनटीन थर्टी टू इन्होंने कहा कि चलो साइमन कमीशन भी फेल हो गया तो क्या करते हैं कि लंदन में बातचीत करने के लिए थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखते हैं लेकिन यहाँ पर पूर्ण स्वराज की डिमांड भी बहुत तेजी से फैल रहा था जिसकी वजह से नाइनटीन में आई ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड किया उसी बीच में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को सांड्रस की हत्या के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था तो 1931 सौ मार्च 1931 में उन्हें फांसी भी हो जाती है जहां गांधी समझौता में लोगों का मानना है कि गांधी जी भगत सिंह लोगों को बचाते नहीं है अगर वो इरविन से कह देते या इरविन से समझौता करते कि तो उन्हें छोड़ दो तो वो छोड़ देते बट ये पॉसिबल नहीं था बेटा तो अभी जो है दिमाग में अगर किसी के है कि भगत सिंह की हत्या या भगत सिंह की मृत्यु का कारण गांधी जी हैं तो गलत बात है ठीक है बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर है बेटा अन पे ही बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जोग्राफी जो पढ़ा रहे हैं मैं एक बार आज सर्च करके आपको बता देती हूँ ठीक है तो ये था हमारा साइमन कमीशन आई होप आप लोगों को ये साइमन कमीशन पूरा से समझ में आया होगा अब क्विजेज के लिए तैयार हो जाइए हमारे पास सिर्फ ट्वेंटी मिनट्स रहते हैं और क्विज का आंसर फटाफट देंगे हमारा तो फटाफट हो जाएगा सेशन ठीक है चलिए रेडी फॉर द क्विजेस सब लोग रेडी हैं क्विज करने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना क्विजेस करें भाई शुरू चलिए जिनको है मैं एक बार ना सर्च करके टीचर देखती हूँ बेस्ट टीचर अन एकेडमी पे ज्योग्राफी के कौन है वैसे बहुत सारे टीचर्स होंगे और सारे बहुत ही बेस्ट होते हैं तो चलिए आप लोग बताइए शुरू करें शुरू करते हैं क्विजेज ना चलिए यस और नो तो बोल दिया करो भाई ओके चलिए शुरू करते हैं फटाफट आंसर दीजिएगा साइमन कमीशन ऑफ नाइनटीन ट्वेंटी सेवन वॉज बॉयकॉटेड बिकॉज जो साइमन कमीशन था 1927 में ही उसको बहिष्कार क्यों किया गया उसका क्यों किया गया रीजन uh, क्या था वो बताइए कमीशन no यहां पर कोई भी भारतीय मेंबर नहीं था इस कमीशन में इट सपोर्टेड द मुस्लिम लीग इसने मुस्लिम लीग को uh, समर्थन किया था कांग्रेस फिल्ड दैट द पीपल ऑफ इंडिया आर इंटाइटल्ड ऑफ द स्वराज या न ए सही है बी सही है सी सही है डी सही है आंसर इज नॉट कमिंग कोई भी आंसर नहीं दे रहे हो जल्द जल्दी जल्दी आंसर दो बहुत इजी है बेटे जल्दी आंसर दो बच्चा पार्टी इतना इजी क्वेश्चन में इतना टाइम लगा रहे हो आप लोगों मैं दिख तो रही हूं ना पीप कंटेंट दिख रहा है ना आप लोगों को आंसर क्यों नहीं आ रहा आज रोज तो बड़ी जल्दी-जल्दी आंसर आता था तमन्ना गई क्या तमन्ना फर्स्ट का चलो शुक्ल जी ने आंसर दिया थैंक गॉड सिविक्स के टीचर को बता दीजिए देना मैम बेटा अभी हिस्ट्री कर लो चलो तमन्ना जल्दी आंसर आंसर दो सबको दिख रहा है ना क्लियर है ब्लर तो नहीं दिख रहा चलो चलो आने लगा बिल्कुल तो ए इज द करेक्ट आंसर क्यों इसका बैकआउट किया क्योंकि जो मेंबर्स मेंबर्स थे थे वो सेवन uh, मतलब ब्रिटिश थे कोई भी इसमें भारतीय रिप्रेजेंटेटिव नहीं था वाई वॉज द साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया साइमन कमीशन को भारत क्यों भेजा गया था टू लुक इन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स टू चूज मेंबर्स ऑफ इंडियन काउंसिल

ठीक है सेकंड फर्स्ट का सभी ने सही आंसर दिया सेकेंड का भी आंसर दे लो जल्दी इजी है अभी बताया है दो मिनट पहले ही मतलब जो फर्स्ट हमारा कंटेंट था पीपीटी था इसमें इंट्रोडक्शन दे रही थी उसमें यही था सुमन 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 जल्दी जल्दी आंसर करो बेटा टू का ए वशु आपसे उम्मीद थी आप जल्दी जल्दी आंसर दोगे तमन्ना आज तमन्ना एकदम शांत बैठी हुई है अच्छा मुझे आंसर लेट में पहुंच रहा है तो अच्छा मतलब ये मेरे न, न, मेरे फोन की प्रॉब्लम हो रही है फिर अच्छा हिंदी भी बताएं वाई वॉज द साइमन कमीशन सेंट इंडिया भारत में साइमन कमीशन क्यों भेजा गया था लुक इन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को देखने के लिए और उनको कुछ रिफॉर्म्स बताने के लिए या टू चूज मेंबर्स ऑफ इंडियन काउंसिल या इंडियन काउंसिल को मेंबर चूज uh, करने के लिए या टू सेटल डिस्प्यूट्स जो गवर्नमेंट और कांग्रेस में डिस्प्यूट विवाद चल रहा था उसको सही करने के लिए या टू सेटअप अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेट करने के लिए आ रहा था तो दूसरे का सी नहीं है बेटा ए आंसर है दैट इज ए टू लुक इन द जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स लाना चाह रहे थे उसी के लिए ये लोग आए थे सजेस्ट करने के लिए जिसका बायकॉट हमने कर दिया था द मेन प्रॉब्लम विद द साइमन कमीशन वॉज दैट जो साइमन कमीशन था उसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी इट वॉज एन ऑल ब्रिटिश कमीशन या पूरे इसमें जो थे पूरे के पूरे ब्रिटिश कमीशन था ये इट वॉज फॉर्मड इन ब्रिटेन या ब्रिटेन में फॉर्म किया गया था इट वॉज इट वॉज सेटअप इन रिस्पॉन्स ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था भारत में उसके रिस्पॉन्स में सेटअप किया गया था इट सपोर्टेड द मुस्लिम लीग इसने मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया था थर्ड का ए ठीक है वेरी गुड इट वॉज एन ऑल ब्रिटिश कमीशन मतलब इसमें पूरे के पूरे कौन थे ब्रिटिश लोग थे इसको ब्रिटिश कमीशन भी बोल सकते हैं हम लोग इसको व्हाइट कमीशन भी बोलते हैं मतलब व्हाइट कौन होते थे ब्रिटिश तो इसको वाइट कमीशन भी बोलते हैं साइमन कमीशन को ही व्हाइट कमीशन बोलते हैं गुड चलिए नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायस राय वॉयस राय अनाउंसड ऑफर अ डोमिन स्टेटस और इंडियन ऑन अक्टूबर ट्वेंटी नाइन अभी बताया है कुछ समय ट्वेंटी नाइन में जब लाहौर सेशन हुआ था उसमें वॉयस राय कौन था तो किस वॉयस राय ने अनाउंस किया था कि चलिए हम भारत में डोमिनियट स्टेट देने की बात को रखेंगे लॉर्ड माउंट बेटन लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड एरवीन नन ऑफ देवक ए बेटा लॉर्ड माउंट बेटन तो बाद में आता है जब हमें आजादी का टाइम पीरियड में अभी हमने बताया था कुछ देर पहले कि उस समय जो है फोर्थ अच्छा आप लोग थर्ड का आंसर दिए चलो फोर्थ का आंसर दीजिए ठीक है ठीक है जी थर्ड का ये ठीक है फोर्थ का सी, बिल्कुल ठीक वसु जी कहा गया मुझे वेट था कि कोई लोग, अच्छा हो सकता है मुझे आप लोगों के आंसर लेट दिख रहे हैं। अगर ऐसा है तो ठीक है ठीक है वसु जी का आंसर एकदम सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्ष के अध्यक्षता में द लाहौर कांग्रेस ट्वेंटी नाइन फॉर्मुलाइज इन द डिमांड ऑफ जो उन्नीस में लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस में का कांग्रेस का लाहौर सेशन लाहौर अधिवेशन उसमें जवाहरलाल की जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या डिमांड की गई थी ऑफ टैक्स पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस बायोकॉड द साइमन कमीशन सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर द दलित्स पहले का हिंदी है जो नमक कानून लगा था नमक कर उसको खत्म करने के लिए पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी या साइमन कमीशन के बहिष्कार के बारे में या दलितों के लिए अलग पृथक निर्वाचन का का डिमांड किया था फिफ्थ बी वेरी गुड वसु यही उम्मीद पूर्ण स्वराज अभी बताया है कि उन्नीस सौ सत्ताइस के लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण तरीके से पूर्ण स्वराज का डिमांड किया था और रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था 26 जनवरी 1930 को उन्होंने इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को बन के तैयार हो गया था उन्नीस में लेकिन हम 26 जनवरी 1950 को उसको अमेंडमेंट में लाते हैं बिकॉज ऑफ दिस डेट क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने उस दिन झंडा फहरा था और अभी से उसके बाद से हम लोग इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे 26 जैन को हम लोग छब्बीस जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाते थे जब तक हम लोग आजाद नहीं हो गए रियल वाली ठीक है नेक्स्ट है हु फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन डिप्रेस मतलब जो दलित निचली कास्ट होते थे उनके लिए एक एसोसिएशन की फाउंडिंग किसने की थी 1930 में अलूरी सीताराम राजू ने सी आर दास ने एम आर जायकर ने ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हाँ वसु जी जो है क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं करने देते उससे पहले ये फटाफट आंसर दे देते हैं बैड हैबिट वसु तमन्ना आपको डांटेगी बैड हैबिट सिक्स का आंसर जल्दी दीजिए बहुत इजी है डिप्रेस्ड क्लास के लिए जिन्होंने कुछ अच्छा करने की कोशिश की एक ज्योतिबा फूले थे और एक बी आर अम्बेडकर थे यहाँ पर ज्योतिबा फूले ऑप्शन में है नहीं तो आप लोग फटाक से बिना आंख बंद करके जो है बी आर अम्बेडकर लगा सकते हैं गांधी जी भी ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग सीधे बी आर अम्बेडकर को लगा सकते थे डी वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ क्वेश्चन हमारा वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज फेमस मार्च ऑन ट्वेल्थ मार्च 1930 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहां से शुरू किया था दांडी से चौरी चौरा से साबरमती से या सूरत से हिंदी में फिर से रिपीट कर देती हूं 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था दांडी से चौरा चौरी से चौरी चौरा से साबरमती से या सूरत से नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है बेटा हमारा तो नेटवर्क ठीक है डी सूरत अच्छा सिक्स का दे रहे हो सेवेंथ के आगे बेटा सेवेंथ पे आई थिंक नेटवर्क इश्यू की वजह से आप लोगों के आंसर मुझे देर से दिख रहे हैं तो प्रॉब्लम एक्चुअली कोई बात नहीं मैं थोड़ा सा थर्टी सेकेंड आप लोगों को दे देती हूँ वेट कर लेती हूँ लेकिन क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव है तो हमें जल्दी जल्दी खत्म करना होगा ना सी सेवेंथ का सी साबरमती से कहां तक गए दांडी तक इसीलिए इसको दांडी मार्च कहते हैं साबरमती से दांडी तो यहाँ उनको कई दिनों की यात्रा के बाद ये पांच अप्रैल 1930 को पहुंचे थे दांडी और छह अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक कानून तोड़ा था तो पांच अप्रैल पहुंचने की तिथि है बारह मार्च वहां से निकलने की तिथि है साबरमती से और छह मार्च छह अप्रैल तिथि है कानून तोड़ने की क्योंकि नमक पांच तारीख को पहुंच तो गए थे लेकिन समुद्र से नमक बनाने में उन्हें टाइम लगा सुबह हो गई और उसके बाद छह अप्रैल 1930 को नमक बना के उन्होंने नमक कानून तोड़ दिया ठीक है तो सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट अबाउट द पूना पैक्ट जो पूना समझौता हुआ था वो उसके बारे में कौन सा निम्नलिखित में से स्टेटमेंट गलत है इट वॉज द एग्रीमेंट बिटवीन जवाहरलाल नेहरू एंड डॉक्टर जो पूना पैक था वो एग्रीमेंट था जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर के बीच में दूसरा प्रिंसिपल ऑफ द ज्वाइंट इलेक्ट्रेट जो डिप्रेस क्लास मतलब दलित वर्ग थे वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट के लिए तैयार हो गए थे डिप्रेस क्लास के लिए सीट कहा था अलॉटेड था या इट प्रोवाइडेड फॉर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिप्रेस क्लास इन द सिविल सर्विसेज सिविल सर्विसेज में भी इन्हें एडुकेट रिजर्वेशन दिया जाए रिप्रेजेंटेशन के लिए ऑफिशियल आप आंसर देर में देख रही हैं अच्छा शायद नेटवर्क इशू की वजह से मुझे आंसर देर से दिख रहा है अगर देखो जब मैं आंसर अगर पहले बता दूं बच्चे अगर आप लोगों का आंसर ठीक है तो मैं आप लोगों के लिए वैसे भी खुश हो जाऊंगी कि चलो बच्चे हमारे सही आंसर दे रहे हैं एट्थ का आंसर दीजिए मैं थर्टी सेकेंड वेट कर लेती हूं क्योंकि आई थिंक थर्टी टू फोर्टी सेकेंड्स का डिफरेंस चल रहा है थर्टी सेकेंड हो गए ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी 24, 23, 22, 21, 20 आगे आंसर देखो तमन्ना को दिख जाता है सही बात है इसका आंसर ए गलत है क्योंकि ए क्यों गलत है क्योंकि ये जो साइन हुआ था जो ये एग्रीमेंट हुआ था वो गांधी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बीच में हुआ था तो ये क्यों हुआ था कि देखो जब गांधी जी 1931 में लंदन गए थे 1931 में लंदन लंदन में क्या था सेकेंड राउंड टेबल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को अटेंड करने जब लंदन गए थे तो वहां बी आर अंबेडकर पहले से मौजूद थे जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है, प्रथम भी द्वितीय भी तृतीय भी वो है बी आर अम्बेडकर तो वहां गांधी जी पहुंचे जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने तो बी आर ने सेपरेट सेक्ट्रेट की बात करी थी पिछड़े वर्ग के लिए तो गांधी जी नाराज होके भारत आ गए थे और नाराजगी का कारण क्या था क्योंकि अगर इनको हम ये अधिकार देते तो ये अधिकार मुस्लिम भी मांग रहे थे मांग लिए थे कि सेपरेट इलेक्ट्रेट होना चाहिए तो अगर तब हम धर्म के आधार पर विभाजित हो ही गए थे अगर यहां पर भी ये बात स्वीकार हो जाती तो जाति के आधार पर विभाजित हो जाते धर्म और जाति दोनों के साथ ये खेल रहे थे ब्रिटिशर्स तो गांधी जी इस बात को नकारते हैं और भारत भारत वापस वापस आ जाते हैं जब भारत वापस आते हैं जब आते तो यहां पर इनको जेल में रावदा जेल में रख दिया जाता है तो वहां जेल में ही अनशन पर बैठ गए गांधी जी तो बी आर अम्बेडकर पहुंचे और जेल के अंदर ही पूना पैक्ट पूना समझौता हुआ जिसमें तीनों ये जो बी सी और डी पॉइंट देख रहे हैं ये सारे उसमें

क्वेश्चन नॉट विजुअल बेटा एक बार ना नेट ऑफ करके ऑन कर लो एक बार नेट ऑफ करो और ऑन कर लो उसके बाद विजुअल हो जाएगा नेटवर्क इश्यू आ रहा होगा कुछ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंगज रिटेन गुलामगिरी गुलामगिरी किसने लिखी थी और ये देखिए वसुजी ने पहले ही आंसर दे दिया है तो नाइन्थ का सी और बिल्कुल सही आंसर दिया है इन्होंने इस चलिए गुलामगिरी किसने लिखी थी मैं लिख देती हूँ हिंदी में गुलामगिरी किसकी रचना है ईश्वरचंद विद्यासागर की आचार्य विनोबा भाबे की ज्योतिबा फूले की या दादू दयाल की तो ज्योतिबा फूले की जो है ये गुलामगिरी लिखी है गुलामगिरी ज्योतिबा फूले ने तो देखिए वसु की गलती इट्स नॉट माय फॉल्ट भाई मैं रुक रही थी वेट कर रही थी लेकिन या, या वसु जी हैं वसुदेव चौधरी वो बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ आनंद मठ आनंद मठ के रचयिता कौन है आनंद मठ के रचयिता कौन है आनंद मठ के रचयिता कौन है बंकिम चंद चटर्जी हैं, रवीन्द्रनाथ टैगोर हैं, राजा राम मोहन रॉय हैं या बाल गंगाधर तिलक हैं? आनंद मठ के रचयिता तमन्ना आपका आंसर सही था डिलीट क्यों कर दिया नाइन्थ का सी ही था तमन्ना सही आंसर था भाई आपका चलिए जल्दी जल्दी टेंथ का आंसर अब तो बहुत ज्यादा लेट दिख रहा है मुझे आंसर आप लोगों के आंसर ही नहीं आ रहे मुझे दिख ही नहीं रहे आप लोगों के आंसर दिखाइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं यूट्यूब पे देखती हूँ आप लोग के आंसर आए नहीं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अभी नाइन्थ दिखा रहा है लास्ट में कौन सा दिखा रहा है आंसर नाइन्थ और मैंने टेंथ पूछ लिया हुआ है ये देखिए यहां पर नाइन्थ ही अभी नाइन्थ का आंसर आया हुआ है सो दैट यू कैन गेट आंसर इन टाइम टू सप्रेस टाइम टैग चलिए तो टेंथ का आंसर दीजिए भाई जल्दी जल्दी नहीं तो मैं जल्दी जल्दी क्योंकि आप लोगों का बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है मुझे आंसर भाई टेंथ दिख रहा है अच्छा मेरी वॉइस दिख रही है आप लोग वॉइस सुनाई दे रही ना क्योंकि अच्छा आ गया टेंथ। इसका मतलब दिख रहा है चलिए ठीक है हाँ जी बिल्कुल सही टेंथ का चटर्जी बंकिम, बंकिम चंद चटर्जी ने लिखा था आनंद मठ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु ऑज द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्लैग कमिटी फ्लैग कमिटी के प्रेसिडेंट कौन थे बी आर अम्बेडकर थे जेबी कृपलानी थे हकीम अजमल खान थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इलेवेंथ हु द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्लैग कमिटी फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे बी आर अम्बेडकर जेबी कृपलानी हकीम अजमल खान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति चलिए अच्छा हिंदी भूल गई झंडा समिति झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे बी आर अम्बेडकर जेबी कृपलानी हकीम अजमल खान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यस मैम गलती से डिलीट हो गया कोई बात नहीं चलिए कोई नहीं है मुझे लग रहा है सही में मैसेज बहुत देरी से दिख रहा है बेटा रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी मेरी आप लोगों के आंसर अगर सही खुद कर लेना तो वेल एंड गुड मैं बताते हुए चल रही हूँ फटाफट क्योंकि जो है बहुत ही लेट में दिख रहा है बहुत ज्यादा लेट में दिख रहा है यार या नेटवर्क इशू है क्या मैम आपको नेटवर्क स्लो होगा मे बी मेरा ही नेटवर्क स्लो ऐसे मेरा तो वाई चल रहा है डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ रही है मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है या क्या है तो एक बार मुझे चेक करने दीजिए मैं चेक भी कर लेती हूं वाईफाई मेरा सही चल रहा है इट मीन्स प्रॉब्लम आप लोगों के उसमें एक बार चेक कर लीजिए प्लीज मेरा स्ट्रीमिंग भी सही चल रही है स्ट्रीमिंग तो मैंने देखा है नेट की स्पीड भी सही है चलिए मैं आंसर सबका बताते हुए चल रही हूँ ठीक है वॉइस मेरी क्लियर है तो मे बी स्ट्रीमिंग प्रॉब्लम आ रही आ तो नहीं सकती क्योंकि वाईफाई का मेरा फुल स्पीड है तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेक्स्ट है वैसे इसमें इंटरनेट तो कई बार चेक कर लिया है पता नहीं कैसे आज कहाँ से प्रॉब्लम है आप लोगों का आंसर स्लो दिख रहा है या मैं मेरा स्ट्रीमिंग और मेरा स्ट्रीमिंग प्रॉब्लम होती है, तो मेरी स्ट्रीमिंग पहले चल रही है मतलब सही चल रही है जो इंटरनेट स्लो प्रोसेस है वो या तो इस आप लोगों में है या तो कुछ आज प्रॉब्लम चल ही रही है तो चलिए 13 में मैं पहुंची हूं तो मैं बता देती हूं आंसर पूना गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उन्नीस में पूना पैक्ट क्योंकि अभी समझाया कि पूना पैक्ट बाद में हुआ था जब ये गांधी जी ये गांधी इरविन समझौता हुआ उसके बाद गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करे फिर जब ये भारत आए तब उन्नीस सौ पूना पैक्ट कराची सेशन तो पहले ये नहीं हुआ था कराची सेशन पहले रखेंगे और उसके बाद दो पूना पैक्ट आएगा और इंडिविजुअल सत्याग्रह बाद में आएगा तो आंसर इज ए फोर्टींथ है हु अमंग द फॉलोइंग वाज़ द फर्स्ट ऑफ़ द भारत रत्न भारत रत्न के पहले मिलने वाले राधा कृष्णन है या जवाहरलाल नेहरू है मे भी कोई तो इशू है इसलिए मैं अब यहाँ पर इसको uh, कुछ देर में भी रोक देती हूं क्योंकि अगर आप लोगों को आंसर नहीं दिखता तो फिर मजा नहीं आता तो कराने का फिर फायदा ही क्या जब आप लोगों के आंसर लेट दिखे मैं आंसर बता के आगे निकल जाऊँ तो थोड़ा सा हाँ फोर्टीन अब शायद दिख रहा है सही सही टाइम पे क्योंकि अभी फोर्टीन मैंने अभी बोला है और अगर शुक्ल जी को मेरा फोर्टीन अभी दिखा है तो आई थिंक सही है फिर सही चल रहा है अब टी रमन थे भारत रत्न के पहले बंदे During the revolt of 1857, who among the following was betrayed by a Jamidar friend and captured while asleep by Britishers and put to death? 1857 की क्रांति के समय कौन कौन था जिसको उसी के दोस्त एक जमीदार दोस्त थे जिसका अभी नाम बताती हूँ मैं पहले आप लोग आंसर दीजिए एक जमीदार दोस्त थे उन्होंने उनको धोखा दिया था और उसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने उन्हें पकड़ लिया था वो कौन थे नाना साहब थे तात्या टोपे थे, खान बहादुर खान थे या कुंवर सिंह थे पंद्रह अठारह की क्रांति के समय कौन ऐसा था कौन इंसान था जिसको उसी के जमीदार दोस्त ने धोखा जमीदार दोस्त का नाम है मान सिंह जमींदार जो था उसका नाम था मान सिंह उसने धोखा दिया था अपने मित्र को जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने उनको पकड़ लिया था और उन्हें फांसी दे दी थी थी डेथ डेथ उनको मृत्यु हो गई डी कुंवर सिंह नहीं है बेटे कुंवर सिंह तो बिहार से लड़ रहे थे आरा से और उन्हें बड़ी वीरता के साथ लड़े थे वो घायल हो गए थे उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी फिफ्टींथ का है बीम तात्या टोपे इनके एक मित्र थे मान सिंह जो जमींदार थे और उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर इनको धोखा दे दिया था और ब्रिटिशर्स ने इन्हें पकड़ के जो नाना साहब के जो है आ, सपोर्टर थे तात्या टोपे उनकी मृत्यु हो गई थी तो उनकी हत्या कर दी गई थी तो आई थिंक आप सही दिख रहा है क्योंकि शुकुल सुमन सबको फिफ्टीन दिख रहा है और मैं फिफ्टीन पे ही हूँ तो इट मीन्स आप सही चल रहा है सही दिख रहा है आप लोग आपको नेक्स्ट सिक्सटीन क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग इंसिडेंट्स आपको जो घटना है नीचे लिखी हुई उसको कंसिडर करना है कि कौन सी घटना पहले हुई थी कौन सी घटना बाद में हुई थी तो पहली घटना है फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग का स्थापना जलियावाला बाग हत्याकांड तीसरा है खिलाफत मूवमेंट चौथा है असहयोग आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन सी घटना पहले हुई थी आपको ये ऑप्शन से बताना है एक दो तीन चार एक तीन दो चार दो एक तीन चार या दो चार एक तीन सोच के अच्छे से बताइएगा सिक्सटीन का ए एकदम सही तो सीक्वेंस एकदम सही है फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 तो एक दो तीन चार सीक्वेंस में ही लगा हुआ है जलियावाला बाघ हत्याकांड तेरह अप्रैल उन्नीस को खिलाफत मूवमेंट 1919 को जलिया वाला बाघ हत्याकांड के बाद हुआ था जब रॉलेट एक्ट आया था उसके बाद हुआ था उसके बाद खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था और इन्होंने टर्की के विभाजन की बात की थी और चौथा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था उसके अंडर में गांधी जी उन्नीस में शुरू करते हैं खिलाफत मूवमेंट और सिविल डिसोबिय मूवमेंट जिसको 1922 में उन्होंने वापस ले लिया था तो ये सीक्वेंस एकदम सही है तो ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉलोइंग इज रिलेटेड टू गोकुलजपाल संस्कृत पाठशाला जब आपके सामने गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम आता है तो उससे आपको क्या समझ में आता है यहां पर हुई थी फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस या सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई थी या फर्स्ट 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 ऑफ गांधी जी या पहली भूख हड़ताल थी गांधी जी की या फर्स्ट आश्रम ऑफ गांधी जी या पहली आश्रम थी गांधी जी की सेवेंटीन गुरुकुल तेजपाल संस्कृत गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला किससे संबंधित है पहली कांग्रेस की पहली अध्यक्षता से कांग्रेस की दूसरी अध्यक्षता से सेशन से अधिवेशन से या गांधी जी के पहले आमरण अनशन से या जो जो व्रत करते थे जो भूख हड़ताल होती थी वो या फर्स्ट आश्रम ऑफ गांधी जी सेवनटीन का ए बिल्कुल सही जो बॉम्बे थी बॉम्बे में फर्स्ट मीटिंग ऑफ गोकुल गोकुलदास जो पहले इनकी कांग्रेस के अठारह में जो मीटिंग हुई थी सबसे पहले वो हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में ही इनकी पहली जो है अधिवेशन शुरू हुई थी तो इसीलिए ये संबंधित है फर्स्ट से नेक्स्ट है हमारा एटीन विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट बेंगोली न्यूज निम्नलिखित में से पहली बंगाली न्यूज कौन सी थी समाचार दर्पण सामवाद कौमुदी सामवाद प्रभाकर या बंगाल गजट ना एटीन का बी गलत है माया इसका मतलब अब सही दिख रहा है आप लोगों को ना टाइम से दिख रहा है सही है चलिए गुड थैंक गॉड गलत है माया बी गलत है बंगाली न्यूज़पेपर कौन सी थी एटींथ डी uh, बिल्कुल सही uh, किसका आया शुकुल जी का जो बंगाल गजट था बंगाल गजट इसको बोलते हैं हिंदी में बंगाल गजट गजट ये पहली बंगाली न्यूज़पेपर थी नेक्स्ट है नाइनटीन क्वेश्चन हु वाज द अपॉइंटेड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स एज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किसको अपॉइंट किया था सर एलिज एम्पे को एलिजा एम्पे को सर मोर्सिस गेयर को सर ओसबोर्न स्मिथ को नन ऑफ द एब नाइनटीन का बी नहीं माया क्या हो गया है आपको जल्दी जल्दी देने के चक्कर में आंसर गलत कर रहे हो आप हैं <laughs> डिलीट क्यों कर दिया बच्चे मैं तो देख ही चुकी थी ए, बिल्कुल सही ए इज द करेक्ट आंसर इम्पे वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अपॉइंटेड वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस्ड महादेव गोविंद रनाडे टू इस्टैब्लिस प्रार्थना समाज इन बॉम्बे किसने महादेव गोविंद रनाडे को इन्फ्लुएंस किया था प्रार्थना समाज को स्टैब्लिश करने के लिए स्थापित करने के लिए बॉम्बे में केशव चंद्र सेन ने देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय ने या टेक चंद्र ने गलती से गए उन्नीस सौ सुप्रीम कोर्ट के थे अच्छा कोई बात नहीं गलतियां होती रहती हमसे मेरे से हो जाती है गलती है, आप लोग को तो भी तैयारी कर रहे हो मेरे से यह भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं थ का सी ट्वेंटी एथ पे आगे बेटा ट्वेंटी पे ट्वेंटी एथ का है विच ऑफ दुएंस्ड महादेव किसने महादेव गोविंद रनाडे को इन्फ्लुएंस किया था प्रार्थना समाज, को, प्रार्थना समाज जो की बंबई में स्टैब्लिश किया था किसने उन्हें इन्फ्लुएंस किया था किससे इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी ए केशव चंद्र सेन वेरी गुड तमन्ना वेरी गुड माया बहुत अच्छे तमन्ना का आंसर पहले आया सही वसु का भी आंसर सही है वेरी गुड बहुत अच्छे विच ये बहुत बड़ी अटैक थी इसके बारे में सबको पता होगी कौन सी कॉन्फ्रेंसी कॉन्स्परेसी कहलाती है ये निम्नलिखित में से कौन सी घटना संबंधित है लॉर्ड हार्डिंग पर आक्रमण का अटैक का गदर कॉन्स्परेसी हिंदू जर्मन कॉन्स्परेसी दिल्ली कॉन्स्परेसी सिल्क लेटर कॉन्स्परेसी डेली इसको दिल्ली लाहौर कॉन्स्परेसी भी कहते हैं दिल्ली लाहौर दिल्ली लाहौर कॉन्स्प्रेसी uh, हिंदी क्या होती है जो भी होता है दिल्ली लाहौर कॉन्स्परेसी क्यों जिस लॉर्ड हार्डिंग उस समय राय थे भारत के जब दिल्ली का दरबार लगा था दिल्ली दरबार याद है दिल्ली दरबार 1911 में लगा था तो 1911 में दिल्ली दरबार में दो घोषणाएं हुई थी एक अब बंगाल जब पार्टीशन हुआ था उसे रद्द किया गया था दूसरी घोषणा ये की गई थी नाउ कैपिटल पहले कैपिटल थी कोलकाता अब दिल्ली राजधानी दिल्ली से आ, कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित होगी तो जब 1912 में दिल्ली हस्तांतरित के समय पर हार्डिंग पर रास बिहारी बोस ने हमला किया था लेकिन ये बच गए थे इंजर्ड था ये सरवाइव ये बच गया तो ये घटना थी इसको हम लोग लाहौर दिल्ली लाहौर कॉन्स्प्रेसी भी बोलते हैं 22 क्वेश्चन है इन विच ऑफ द लैंग्वेज महात्मा गांधी पब्लिश्ड न्यूज़पेपर विद द नेम हरजेंस निम्नलिखित में से किस भाषा में गांधी जी ने न्यूज़पेपर पब्लिश किया था हरजन न्यूज़पेपर इंग्लिश ओनली हिंदी एंड इंग्लिश ओनली इंग्लिश एंड गुजराती इंग्लिश हिंदी एंड गुजराती माया का आंसर पहले आ गया है इंग्लिश में भी हिंदी में भी और गुजराती में तीनों में बहुत अच्छे वेरी गुड तीन क्वेश्चन और रहते हैं वॉयस रॉयल्टी ऑफ हु ऑफ द फॉलोइंग किसके वॉयस राय के समय पर बिहार के बिहार और क्वेटा में अर्थक्वेक मतलब भूकंप आया था बहुत ही गंदा भूकंप आया जिसमें कई लोग लो मारे गए थे उसमें लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड था या लॉर्ड गटन था या लॉर्ड रिपन था या लॉर्ड वेवल था इतना बता दे रो 1934 में आया था बिहार और में में 1934 में. अब अंदाजा लगाइए कौन रहा होगा उस समय वॉयस राय बिहार के कोयटा बिहार और कोयटा में अर्थक्वेक भूकंप आया था उस समय कौन वॉयस राय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय लॉर्ड विलियंगटन लॉर्ड लॉर्ड रिपन, और ये भूकंप आया था 1934 में अब तो अंदाजा लगाइए किसकी बात की जा रही है ट्वेंटी थ्री का बी बहुत सही वेरी गुड माया माया का थोड़ी सी तारीफ कर दो माया का आंसर तुरंत सही आने लगता है लॉर्ड विलिंगटन था बहुत अच्छे। वेरी गुड आंसर बी इज करेक्ट सी आर फॉर्मूला इसको सी आर दास चितरंजन दास फार्मूला भी कहा जाता है वॉज फॉर्मुलेटेड इन विच ईयर सी आर दास फॉर्मूला किस समय जो है फॉर्मूला लाया गया था किस ईयर में इकतालीस में बयालीस में 44 में या सैतालीस में उन्नीस सौ इकतालीस उन्नीस सौ बयालीस उन्नीस माया का फिर आंसर सही आ गया क्या बात है उन्नीस सौ चौवालीस में तो सी आर फार्मूला जो है उन्नीस सौ में इसको लाया गया था तो माया का आंसर सही है बाकी और भी आंसर देंगे तो उनका भी सही आई होप कि सब लोग आंसर सही दोगे हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का हु ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विद साइमन कमीशन केप टू इंडिया जब भारत में साइमन कमीशन आया था उस समय भारत का सेक्रेटरी कौन था हु ऑज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया सेक्रेटरी कौन था लॉर्ड न हेड लॉ विस्क लॉर्ड ओलिवियर लॉर्ड स्टेनली ट्वेंटी फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ए, वेरी गुड मुझे लगा था इसका तो सेक्रेटरी वाइस है तो पता होता है सबको लेकिन सेक्रेटरी कम लोगों को पता होता है और माया को पता है तो बहुत अच्छी बात है गुड तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने अच्छे अच्छे आंसर दिए तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं और आई होप आज का सेशन समझ में आया आप लोगों तो अभी आठ बजे फिर लाइव होंगे हम हो। आठ बजे आज आठ से नौ क्लास है यूट्यूब पे वो भी सिर्फ क्विजेज का है तो और वो प्रीवियस ईयर्स के पेपर का है तो प्लीज आठ बजे यूट्यूब पे ज्वाइन करना ना भूलें ठीक है और तब तक के लिए टाटा बाय बाय सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज चैनल को और लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए और ये मेरा प्रोमो कोड यूज करिए तब तक के लिए Tata, -ta. bye bye, everyone. Thank you so much, everyone. Thank you. Bye bye. Thank you, Tamanna. Bye bye.